जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, शरीर क्षण क्षण विनाश की ओर ही बढ़ रहा है, यह प्रत्यक्ष है, पर विनिष्ट होने से पहले इसे यथासंभव इस अवस्था में अवश्य रखना चाहिए कि यह अपने में रहने वाले मन को प्रिया प्रियतम की ओर बढ़ते समय कहीं उद्विग्न न कर दे। मन जिस क्षण वास्तव में प्रिया प्रियतम को पकड़ लेगा, उस समय तो इसकी संभाल की आवश्यकता नहीं रहेगी। संभाल करेगा भी कौन? संभाल करता है मन, किंतु वह तो प्रिया प्रियतम से जा जुड़ा। अतः उस परिस्थिति में तो शरीर का जो होना होगा हो ही जाएगा, पर उससे पहले शरीर के लिए संयम, पथ्य एवं औषध की व्यवस्था रखनी ही चाहिए। प्रिया प्रियतम का अखंड चिंतन करें, बस यही जीवन का सार है। अभी मन में अनेक वासनाएं, अनेकों कर्तव्य बुद्धियां भरी हैं। सब वासनाओं के जल जाने पर ही प्रिया प्रियतम के प्रेम की नींव खुदेगी, जीवन की धारा उनकी ओर मुड़कर यह सच्ची चाह उत्पन्न होगी। अभी तो सच पूछें, भजन की नकल भी नहीं पूरी हो रही है, बस उनकी कृपा की बाट देखते रहिए। सिवाय युगल सरकार के और कुछ भी नहीं दिखे। इसका सरल से सरल उपाय है कि मन में युगल सरकार के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए। फिर मन में ही नहीं, बाहर की आँख भी जहाँ जाएगी वहाँ युगल सरकार ही दिख पड़ेंगे। वस्तुतः युगल सरकार के अतिरिक्त देखने के लायक कोई और वस्तु है भी नहीं, पर हम लोगों का मलिन मन इस बात को नहीं मानता। यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। जीवन का अनमोल समय व्यर्थ न जाए, बातों बातों में ही जीवन समाप्त हो रहा है, बातों बातों में ही जीवन समाप्त हो रहा है। यदि प्रिया प्रियतम के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो यहाँ की सारी सफलता व्यर्थ है। दूसरे बातों से अनुराग होता भी नहीं है, उसके लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। जब तक कुछ भी बचाकर रख लेने की वासना है, तब तक प्रेम की बात करना तमाशा सा है। अतः कहना यह है कि मन ही मन जरा यहाँ के मोह को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। माना आप में त्याग है, पर साथ ही सात्विक चेष्टा के नाम पर बहुत सी ऐसी चेष्टाएं भी आप करते रहते हैं जिनमें आपकी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। अतः एकमात्र वही आपको करना चाहिए जिससे प्रिया प्रियतम के प्रेम का मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो। थोड़ी सावधानी रखें जिससे आपके द्वारा जो व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं उनमें रोक लगे। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि श्री प्रिया प्रियतम की स्मृति कितनी होती है। यदि स्मृति बढ़ रही है तो रास्ता ठीक है, किंतु यदि इसमें कमी आ रही है तो आप रास्ता भूल गए हैं, यह निश्चित बात है। आप इस कसौटी पर कसकर ही जीवन का सावधानी से सुधार करना चाहिए। मरने से पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप। और कोई भी साधन बड़ा कठिन है, कंजूस के धन की तरह एक क्षण भी व्यर्थ मत खोइए। निरंतर नाम लीजिए। जीवन की सफलता इसी में है कि मन असत शरीर आदि के चिंतन को छोड़कर केवल प्रिया प्रियतम का ही चिंतन करें। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक असत शरीर आदि को भी भजन का साधन बनाने के लिए उसकी ओर कुछ कुछ ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सत्संग में रहने पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में मोह है तब तक हठ से की हुई स्वास्थ्य की उपेक्षा
कभी कभी भले सफल हो जाए, अधिकांश में पीछे बहुत ही तंग करने लगती हैं, पश्चाताप का भी कारण बन जाती हैं। बहुत समय बीत गया, अब श्री प्रिया प्रियतम से प्रीति हो जाए, बस श्री प्रिया प्रियतम से प्रीति हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।